2014 में बच्चे कोट कोट घूम रहे थे, हम उनके साथ थे। 2017 में सड़क में बैठे थे, कई कई दिन तक सड़क में थे हम लोग। और ये आज बन रहे नहीं, हम YouTube में सबसे पहले लेके आते हैं। बेटा YouTube में तो सबसे पहले गगन प्रताप लेके आया अपना, जितना भी एग्जाम होता था सबका गगन प्रताप लेके पहुंचता था। तो वो भी कहा है कि हम देखो हम इतने बड़े तोहफे, हम इतना इतना काम कर रहे हैं। बेटा सब अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हो, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। और अगर आप कह रहे हो कि नहीं हम लूट के नहीं खाते, तो बेटा फिर एक बात बताओ ना, फिर क्यों आप मोनेटाइज कराया अपने चैनल का, क्यों आप कोर्स बेच रहे हैं? आप तो जियो वाला काम कर रहे हो, है ना, हम फ्री पढ़ा रहे हैं। बेटा फ्री यूट्यूब में सबसे पहले तो अभिनय शर्मा ने पूरा फ्री पढ़ा दिया, हमारे एक एक टीचर यूट्यूब में फ्री पढ़ा रहे हैं, हमने पूरा वॉल्यूम वन फ्री में पढ़ाया है, पूरा स्पोकन का कम से कम 70 क्लासेस आपको फ्री मिलेगा स्पोकन का हमारे केडी लाइव चैनल में। मैं वहां पे जो फ्री पढ़ा रही थी तो बच्चों को बहुत मुश्किल होता था खोजने में, क्योंकि दिन भर में कम से कम 8 से 10 क्लासेस फ्री चल रहे थे केडी लाइव में। तो मैंने अपना चैनल अलग बनाया कि भाई मेरे बच्चे जो इंग्लिश खाली पढ़ना चाहते हैं वहां खो जाते हैं, तो मैंने अपना अलग चैनल बनाया। हमने स्पोकन पूरा पढ़ाया फ्री में। आप कहते हैं हम बहुत मेहनत कर रहे हैं ना, कहते ना बहुत मेहनत, हाँ लड़का कह रहा मैम कहते हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो हम क्या घास उखाड़ रहे हैं? हाँ, ये वॉल्यूम 2012 में लिखे हैं, इसका इंग्लिश 2014 में लिखे हैं, ये मैंने पूरा का किताब लिखा है लॉकडाउन में। उसके बाद अभी ये वो कैब हमने 2 साल में पूरा कंप्लीट किया, कॉपी एंड पेस्टेड नहीं है, स्पोकन का बुक लिखा, स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज सब दे रहे हैं, ठीक है ना, फ्री में। तो मैं पूरा बत्रा में 30-30 लाख रुपया रेंट देके पढ़ाया मैंने फ्री में। यूट्यूब में फ्री में पढ़ाना, तो बेटा सब पढ़ा रहे हैं, काहे इतना इमोशनल करते हो कि हम बच्चों के लिए बहुत कर रहे हैं? आप बच्चों के लिए नहीं कर रहे, आप अपने लिए कर रहे हो, मत सिखाओ, बच्चों के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी बात एक चीज और बताऊं, हाँ ठीक है, वही तो मैंने कहा ना बेटा, लॉकडाउन के बाद मैंने उसको देखा, लॉकडाउन के पहले तो था ही नहीं, तो मैं कैसे बोलूं कि हाँ तुम अभी बहुत पुराने हो चुके हो, मेरे लिए तो नया ही लड़का। मैंने तो कई बच्चों को भेजा, मैंने बच्चों ने बोला कि मैम हम आपके यहाँ डेमो ले चुके हैं, और बताइए कहाँ डेमो ले सकते हैं। मैंने एक बार एक लड़के को कहा कि इंग्लिश का, तो मैं खैर इंग्लिश पढ़ा रही हूँ फिर भी आपको बता दूं, मैंने किसी का नाम लिया, और फिर मैंने ये भी कह दिया कि मैथ्स का भी डेमो लेना, ले लो, एक नया लड़का आया अच्छा पढ़ा रहा है। नया लड़का ही ना हो मेरे लिए यार, तुम जितने उम्र के उससे ज्यादा साल से तो मैं बहुत पढ़ा रही हूँ, तो मेरे लिए तो नया ही हूँ। अब आप कहोगे ना हमें सर बोलिए, तो मैं तो अभिनय शर्मा बोलती हूँ, अभिनय बोलती हूँ, उससे जब मिलती हूँ अभिनय बोलती हूँ, ठीक है ना, मैं तो गगन प्रताप बोलती हूँ। मैं भाई तुम लोग मेरे से बहुत छोटे हो, कम से कम अभिनय शर्मा ही 10 साल से ऊपर मेरे से छोटा होगा। भाई मैं बहुत बड़ी हूं, और अगर आप उससे चाहोगे नहीं, एक पागल औरत, एक तो शर्म आनी चाहिए, बिहारी हो के तुम पागल औरत बोल रहे हो, तुम्हें पता है बिहार की तरफ ऐसा लैंग्वेज यूज नहीं करते, मुझे तो आश्चर्य होता है तुम्हारे बिहारी होने पर शक है। बेटा हम बिहारी हैं, हमको पता है बिहार में ऐसे लैंग्वेज नहीं बोलते हैं जैसा तुम लैंग्वेज बोल रहे हो अपने बड़ों को। और बता दो तुम्हें, तुम बहुत बन रहे हो ना कि हम बिहारी हैं, कि मैडम ने उन्होंने कहा मोहतरमा ने कुत्ता, अरे बिहारी हो तो ये कहावत तो पता होना चाहिए था कि हुलकाया हुआ कुत्ता शिकार नहीं करता। मैंने तो कहा है हुलकाया हुआ कुत्ता शिकार नहीं करता, मतलब समझ नहीं आता तुम्हें क्या? उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि देखो बच्चों, मैं यही बोल रही हूँ कि हुलकाया हुआ कुत्ता शिकार नहीं करता, ये बात तो मैंने बोला है उसको। भाई हुलकाया हुआ कुत्ता शिकार नहीं करता का मतलब ही ये है कि भाई आपको कोई पीछे से पुश करेगा तो आप नहीं करोगे कुछ, है ना, जब तक अंदर से किलर्स इंस्टिंक्ट नहीं आता। मैंने कहा है, मैंने क्या कहा था कि आपके पिता की झुरिया और आपकी माँ की मजबूरियां अगर आपको मोटिवेट नहीं करती तो दुनिया में कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। इसमें क्या गलत बोला? पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा लगा के बच्चों को इमोशनल करना, ये धंधा बना लिया लोगों ने, और उसके बाद कहते हैं कि नहीं मैडम वो मोहतरमा ऐसे बोली वैसे बोली। मैं सही बोल रही हूं? मैं खुद सोचो, क्या यूट्यूब में हम नहीं पढ़ा रहे हैं? रोज रात को मैं आ रही हूं, मैंने खुद भेजा यार कई बच्चों को, बोलो। हाँ ये भी बात सही बोल रहे हो, वो भी यही पढ़ के पास हुआ है, मेरी किताब पढ़ के वो 50 में 50 लाया था। अब वो कह रहा हो पागल औरत, अरे भाई जिससे तुमने मैथ्स पढ़ा उसका तुम बेइज्जती कर रहे हो,
है ना, उसको तो बहुत पहले से बेइज्जती कर रहे हो। मैंने एक बार कहा भी आश्चर्य कि भाई कम से कम अगर जिससे ज्ञान प्राप्त किया है ना, अपने गुरु का अनादर ना करें। ठीक है, हम कुछ भी बोले वो अलग चीज है। अब ये देख रही हूँ कि कभी ये राकेश यादव के बारे में बोल रहा है, अभी कुछ एक साल पहले तो उसी का बुक प्रमोट कर रहा था, तो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि भाई, मैंने हंसी के कहा कि दोगलापन है, लेकिन इतना दोगलापन। अब तुम जिसका बुक प्रमोट कर रहे हो कि हाँ 50 में 50 उनकी किताब पढ़ के लाए हैं, आज तुम कह रहे हो पागल औरत है, रत्ती भर उसका दिमाग नहीं है। भाई मेरा दिमाग नहीं है तो मेरी लिखी हुई किताब ऐसी तुम पढ़ के 50 में 50 ले आए? खुद सोचो बेटा, मेरा तो तुम अभी भड़का दे रहे हो मुझे और कुछ नहीं। हाँ नहीं, कह रहे कुत्ते की तरह मेहनत करता हूँ। बेटा कुत्ते की तरह सब मेहनत कर रहे हैं और सबको अपनी लगी पड़ी कि हाँ सबको फेमस होना है। तुम जो म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक लगा लगा कहते हो मैडम अपने वीडियो एडिटर से काम ठीक से नहीं ले रही। अरे वीडियो एडिटर मैंने नहीं रखा हुआ है, मेरा बैच चलता है ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, दो बैचेस चलते हैं। ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन में जो मैं बोलती हूँ भावनाओं में बह के, वो ऑनलाइन वाले बच्चे निकाल के कहीं लगा दे रहे हैं। एक है मेरा स्टाफ, वो एक फैन क्लब करके चलाता है, उसके अलावा तो बाकी कहाँ क्या कौन डाल रहा है तो मैं तो समझ भी नहीं आता है। अब उसके जो कमेंट में जो गालियां पड़ रही है वहां में जाकर कैसे डिलीट मारूं? मेरा तो चैनल ही नहीं है, मैं आपकी तरह मीडिया मैनेज थोड़ी कर रही हूँ। अब खुद बताओ, खुद देखो ना उनका मीडिया मैनेजमेंट क्या। म्यूजिक इतनी ज्यादा इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक लगा रहता है। मैं तो बता रही हूँ बेटा, 2020 में 11 अप्रैल को पहली बार मैं ऑनलाइन आई थी, उसके पहले तो मैं ऑफलाइन पूरा का पूरा। अरे चलो मैं आपको ये भी शेयर कर दूंगी भाई, 2013, 2014, 2015 मैंने इतने सारे काम किए हैं जो रिलेटेड टू पब्लिक वेलफेयर है भाई, वो मैं क्या करूं, भुनाती रहूं? सड़क में झाड़ू लगाऊं, कहूं देखो मैं समाज सेवा कर रही हूं? हाँ भाई, मैं जब दान करने जाती हूं ना, मेरे स्टाफ चुपके से वीडियो बनाने की कोशिश करते, मैं डांट देती हूं कि प्लीज ये काम मत करना। अगर मैं कुछ दान कर रही हूं, तुम उसका क्रेडिट उठा के तुम अपने चैनल का व्यूज बढ़ाओगे, तुम मेरा पुण्य छीन रहे हो। यही है जो लेके मैं ऊपर जाऊंगी, वरना जो कमा के यहाँ रख रही हूँ ना, मेरी औलाद जो है ना, मेरा बेटा, वो ऐश करेगा। मैं जो लेके जाने वाली हूँ उस पर तुमको भागी बनने नहीं दूंगी। मैं उसको डांट टपट के रखती हूँ, नजर रहती हूँ उस पर जब मैं ब्लान कर रही होती हूँ, उस पर नजर रहती कहीं वीडियो।